कहाँ पे हैं क्लास, कहाँ पे है सारी? इससे पहले लेक्चर हुआ नहीं हुआ, क्या स्टेटस है आप लोगों का? सी आर ओ डी आर एड्रेस करेंगे सबसे पहले। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रही? सी आर जी आर सारी क्लास तो सर क्लास में नहीं है। हेलो। जी आर डिजाइन, जी आर बताएंगी। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बताएं क्या मसला? म्यूट जी इफ्तिज़ाह आप बताएं क्या इशू है? इफ्तिज़ाह सर सर ज्यादातर जो है ना क्लास वालों वो ना अस्सलाम जिनको वालेकुम करवा सर। हेलो सर, वो स्टूडेंट्स को भी पता चल गया ना कि आज लेक्चर है, तो इसलिए अभी स्टूडेंट्स है ना वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी पता चला लेक्चर है तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। गर्ल्स कर रही हैं ज्वाइन स्टूडेंट्स को क्या आपने दावतनामे भेजे थे? गर्ल्स। पता चला इनविटेशन कार्ड्स बनवा के भेजे हैं फिर अब आप जी आप
जी सी आर और जी आर मौजूद हैं या सी आर भी नहीं है यहाँ पे? सी आर और जी आर हैं दोनों? और जी आर सॉरी सी आर आप दोनों बताएंगे क्या क्लास को क्या मतलब किसने कन्वे किया क्लास नहीं होने वाली? सर सर कन्वे किया है सर, वो कह रही है, मैंने स्टूडेंट से बात किया, वो कह रहे हैं कि हमारे पास मौसम बहुत ज्यादा खराब है तो नेट चल नहीं रहा उन, आगे से मुझे ये रिस्पॉन्स आया है। नहीं ये किसने कन्वे किया है कि क्लास नहीं होनी आज, ये किसने कन्वे किया? सर ये तो सर, किसी ने नहीं, किसी ने भी नहीं कहा ये तो। इससे पिछली दोनों क्लासेस हुई हैं जो 2:30 बजे और 1 बजे होती है, उसमें सर मैंने सर से कॉल की थी, सर साकिब साहब थे हमारे, उनका लेक्चर है, उन्होंने कहा था कि बेटा आज मैं शादी पे हूँ इस वजह से मैं आज लेक्चर नहीं लूंगा, फिर कभी ले लूंगा, इसी वीक में ले लूंगे, इस वजह से नहीं हुआ पीछे वाला लेक्चर। दूसरी भी नहीं हुई, वो वैसे नहीं सर लेते, उसकी होती है स्टैटिस्टिक की होती है वो, फिर वो किसी और दिन लेते हैं, इस दिन नहीं लेते। ये लेक्चर मेकअप करके संडे में लेते हैं वो, तो मेरे लेक्चर का किसने कहा है कि नहीं होना? किसी ने भी नहीं कहा सर। सर किसी ने भी नहीं कहा, उनके पास लिंक गया है और सबने उनको कहा है कि ज्वाइन कर लें, तो उन्होंने आगे से कहा कि हमारे पास मौसम बहुत ज्यादा खराब है और नेट की वजह से ना ऑन नहीं हो रहा, तो उन्होंने आगे से मुझे ये मैसेज दिया है। नहीं लिंक मैंने उन्हें फिर दोबारा से कहा था, इनविटेशन कार्ड भेजा करें जी आर साहब, लिंक तो सेम ही है, रोजाना लिंक भेजना पड़ता है जी सर, तो कार्ड ही बना लें कोई डे वाइज, एक इनविटेशन कार्ड बना लें कि मेहरबानी करके आपकी नवाजिश होगी क्लास में आया करें। क्या क्या यार आप भी एक अच्छा सा कोई इनविटेशन कार्ड डिजाइन कर लें, घर में पोस्ट करवा दिया करें इनके घरों में, क्या ख्याल है? मैसेज उनको कन्वे कर दिया जाता है व्हाट्सएप पे, बस इसी से वो कर लेते हैं, लेकिन अब वो नहीं कर रहे, कोई भी ऑनलाइन नहीं होंगे क्या वजह? कन्वे मतलब क्या, जब आपका एक टाइम टेबल सेट हुआ हुआ है सर, वो आज नेट खराब है मौसम की वजह से, वो कह रहे हैं पहले वो लेते हैं, सभी लेते हैं लेक्चर पहले। जब आप लोगों का एक टाइम टेबल बना हुआ है और आप पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स नहीं है, थर्ड सेमेस्टर के हैं, आपको पता है मिड टर्म के फौरन बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर ये कन्वे करना और ये कार्ड्स भेजना और ये सारी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है सारी चीज। ये तो आपके रवैये हैं, मतलब स्टडी की जानी भी ये रवैये, कुछ तो पहले ही मतलब हालात ऐसे हैं। और कुछ हम घर घर बैठ के भी क्लास में नहीं पहुंच पाते, घर बैठ के तालीम का मजाक ही बना लिया गया बस ऐसे। देखना
ये शुएब असगर और बाकी ये लोग कहाँ पे हैं, ये भी हैंड रेज करें। स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। मिड टर्म से पहले हम जो है वो थ्योरम कर रहे थे, रीसेस रिप्रेजेंटेशन थे, ऐसा ही तो उसी की कंटिन्यूएशन है। ऑर्थो नॉर्मल सेट्स हम पढ़ रहे थे, ऑर्थो नॉर्मल सेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें तो हो गई थी ना, कॉची शिवाज इनक्वालिटी, ट्राइंगल इनक्वालिटी, सॉरी कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट, आइसोमॉर्फिज्म चीजें। हाँ ये कंप्लीशन का एक डेफिनेशन है बल्कि एक थ्योरम भी है। ये शायद मिस किया है या से गुजर नहीं सका। कंटिन्यूटी हमने बात की थी, कोई भी फंक्शन का भी कंटिन्यूअस होता है टू डायमेंशनल में, तो ये उसने प्रूव किया हुआ है। इनर प्रोडक्ट कैसे कंटिन्यूअस है, जैसे फंक्शन की कंटिन्यूटी शो करवाते हैं इसी तरह इनर प्रोडक्ट की शो करवाते हैं। मॉडुलस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, यहाँ एफ की जगह पे इनर प्रोडक्ट है तो वही कंसिडर कर लीजिए। अच्छा ये आइसोमॉर्फिज्म है टी ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स ऑन टू एन इनर प्रोडक्ट एक्स एट ओवर द सेम फील्ड इज अ बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर टी व्हिच प्रिजर्व्स द इनर प्रोडक्ट दैट इज फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स टी एक्स इनर प्रोडक्ट टी वाई इज इक्वल टू एक्स इनर प्रोडक्ट विद वाई। इस तरह का जो ऑपरेटर होगा उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे, शर्त ये है कि वो बाइजेक्टिव भी हो और लीनियर। तो ये कंप्लीशन का थ्योरम है, कंप्लीशन क्या कह रही है, ये हमारे पास थ्योरम है कि फॉर एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स देयर एग्जिस्ट्स अ हिल्बर्ट स्पेस H एंड एन आइसोमॉर्फिज्म A फ्रॉम एक्स ऑन टू अ डेंस सबस्पेस W सबसेट ऑफ H, space H is unique except for isomorphisms। अच्छा इसमें जो जो चीजें बताई हुई है वो देखना बहुत जरूरी है, क्या क्या गिवन है। x कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फॉर एक्स देयर एग्जिस्ट
अगर आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो कहते हैं। अच्छा यहाँ से पहले कोई मुझे बताएगा क्या हर इनर प्रोडक्ट स्पेस हिल्बर्ट होती है? हिल्बर्ट स्पेस चलें कौन सी होती है ये बता दें। हिल्बर्ट स्पेस, व्हाट इज हिल्बर्ट स्पेस? जी सर, अ कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। अ कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज कॉल्ड, वो तो बनाक स्पेस होती है, हिल्बर्ट स्पेस। सॉरी आई थिंक जी कोई और टाइम अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस ओके। अब मुझे कोई ये बताएगा क्या हर इनर प्रोडक्ट स्पेस हिल्बर्ट होती है? नहीं सर, हर हिल्बर्ट तो इनर प्रोडक्ट हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगी, लेकिन हर इनर प्रोडक्ट क्या हर इनर प्रोडक्ट स्पेस हिल्बर्ट स्पेस होती है? जी कोई भी स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे। क्या हर इनर प्रोडक्ट स्पेस हिल्बर्ट स्पेस होती है? जी जावेद हाशमी। सर हर इनर प्रोडक्ट हिल्बर्ट स्पेस नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ स्पेसेस ऐसी होती हैं वो इनर तो हो जाती है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती, जैसे कि एल इंफिनिटी हो गई। हाँ गुड। तो ये थ्योरम हमें ना कुछ वजूहात होती हैं हिल्बर्ट ना बनने की, ऐसे ही है ना? जी सर। हो सकता है उसमें से काशी सीक्वेंस उठाई जाए और वो उसी सेट में कन्वर्ज ना कर रही हो, ना वो पॉइंट को कन्वर्ज तो कर रही हो किसी, लेकिन सेट से बाहर कन्वर्ज कर रही हो काशी सीक्वेंस, तभी होती है ना नॉन कंप्लीशन। जी सर। तो कहते हैं हर इनर प्रोडक्ट स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? फॉर एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स देयर एग्जिस्ट अ हिल्बर्ट स्पेस एंड एन आइसोमॉर्फिज्म ए फ्रॉम एक्स ऑन टू अ डेंस सबस्पेस डब्ल्यू एच। क्या कह रहे हैं कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस को नहीं बनाया जा सकता हिल्बर्ट, हर इनर प्रोडक्ट स्पेस को, लेकिन हर इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए क्या बनाई जा सकती है? एक कंप्लीशन, एक हिल्बर्ट स्पेस मौजूद हो सकती है उसके लिए, और उसके लिए एक आइसोमॉर्फिज्म भी एग्जिस्ट किया करेगी जो कि ऑन टू हुआ करेगी और एक्स से कहां जा रही होगी, एंड एक्स टू एक सबस्पेस होगी डब्ल्यू जो कि डेंस होगी सर। एग्जिस्ट एंड ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म ए फ्रॉम कहां से कहां तक?
ओके तो हमारे पास एक एक्स था इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसको नहीं हमने बनाना हिलबर्ट, इसके लिए कहता है फॉर एक्स देयर एग्जिस्ट and there also exists an isomorphism on x subspace W H. There exists an isomorphism from X for dense subspace W of H. इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमने प्रूव करना है कि यहाँ से यहाँ तक एक मैपिंग है जो कि क्या है जबकि W क्या है, W सबसेट भी है सबस्पेस की इसकी एज डेंस सबस्पेस डेंस भी है सबस्पेस भी है सबसेट भी है एज का. ये हमने दो चीजें इस थ्योरम में प्रूव करनी. एक हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन, सिर्फ इनर प्रोडक्ट स्पेस है ठीक है. तो देखते हैं इसने इसको किस तरह से कंसीडर किया हुआ है. जी प्रूव की तरफ चलते हैं. बाय थ्योरम 2.32 देयर एग्जिस्ट्स अ बनार स्पेस एच and an isometry A from X onto a subspace W of H which is dense in ये theorem 2.32 भी आप प्रूव कर लेंगे. सेकंड चैप्टर में है, उसी को यूज कर रहे हैं. कहता है ये सारा थ्योरम हमने प्रूव किया हुआ है इसके लिए, नॉन स्पेसेस के लिए और बनाव स्पेसेस के लिए. अब यही सारा थ्योरम हमने प्रूव करना है इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए. नॉन स्पेस के लिए बनाव मौजूद होती थी और आइसोमेट्रिक होती थी, आइसो यानी कि आइसोमार्फिज्म उनके बिटवीन होती थी दोनों के. और यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए हिल्बर्ट स्पेस मौजूद है. तो उस थ्योरम की हेल्प से हम किसी हद तक तो वहां पहुंच चुके हैं विच इज डेंस इन एच फॉर रीजंस ऑफ कंटिन्यूटी अंडर सच एन आइसोमेट्री सम्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स एंड डब्ल्यू कॉरेस्पॉन्ड टू ईच अदर सो दैट ए इज इवन एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एक्स ऑन टू W, both regarded as bound spaces. Lemma 3.22 shows that we can define an inner product on H by setting X hat Y hat inner product is equal to limit n tends to infinity X and Y inner product
क्योंकि हमने पढ़ा है अभी ये जो थ्योरम पढ़ा है तो यही कह रहा था कि इनर प्रोडक्ट क्या है, एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखते हैं तो कंटीन्यूअस फंक्शन कब होगा, ये देखें कंटिन्यूटी ऑफ एन इनर प्रोडक्ट, इफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इफ इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस xn converges to x and yn converges to y, then xn sequence inner product with yn sequence converges to inner product of the x and y. ये भी हमने किया हुआ पहले कंटिन्यूटी से। तो by using continuity we can see that x hat y hat inner product for the limits of x n y n, the notations being as in theorem 2.32 and 1.62, that is x n and y n are representatives of x hat belonging to h and y hat belonging to h respectively, taking 9 and 10 section 3.1 into account, we see that A is an isomorphism of X onto W, both regarded as inner product spaces. Theorem 2.3 also guarantees that H is unique except for isometries, that is, two completions H and H hat of X are related by an isometry. T reasoning as in the case of A, we conclude that T must be an isomorphism of the Hilbert space H onto the Hilbert space H hat. तो ये वही second chapter का जो theorem है ना उससे सारा related है, वो कर लेंगे तो ये भी सारा हो जाए। अच्छा ये सर हमने कर लिए थे कि y is complete if and only if y is closed in H, y is finite dimensional, ये सारा हमने कर लिया। अच्छा यहाँ पे एक डेफिनेशन आई थी डेंस की, कोई आप में से कोई स्टूडेंट मुझे डेंस की डेफिनेशन बताना चाहेगा? डेंस subset या dense space, जी व्हाट इज डेंस सबसेट या डेंस सबस्पेस? सर अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस हो, मैट्रिक्स स्पेस हो, तो उसमें एक ऐसा सबसेट हो कि उसका जो क्लोजर हो वो बराबर आ जाए उस स्पेस के, तो सर वो फिर डेंस सेट कहलाता है, उसमें और वो काउंटेबल होता है और ये सेपरेबल स्पेस कहलाएगी। x इक्वल टू क्या होता है, कोई इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट को लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि x को इनर प्रोडक्ट स्पेस है और a उसका कोई सबसेट है, A is called dense in X. Closure of A. These are closure of A. Is exactly equal to X. यही कह रहे हैं? यही है ना? जी सर। Okay. तो डेंस की भी समझ आ गई कौन सा सबसेट या सबस्पेस डेंस हुआ करेगा। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप में से कोई भी स्टूडेंट, एग्जांपल इसकी बता दे डेंस, कोई समझ में आने वाली एग्जांपल बाय रेजिंग हैंड्स इस डेफिनेशन के मुताबिक कोई एग्जांपल।
डेंस सेट की कोई एग्जांपल, कोई भी स्टूडेंट जी इतना फैज बताएंगे ये डेंस सेट की कोई एग्जांपल बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे पास एक सेट एक्स है के अंदर सर चार एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है एक सेट एक्स है उसमें चार एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। जी और हमारे एक और सेट है ए, एक और सेट है ए उसमें 2 और 3 हैं सर। जी तो सर हमारे पास जो डेंस सेट ए बनेगा उसमें सर 1 और 4 आएंगे। ये ए डेंस हो जाएगा इसमें। जी सर इसका क्लोजर लें जरा, ए का क्लोजर लें, ए का क्लोजर क्या होगा सर? ए का क्लोजर, क्लोजर का फार्मूला क्या है? क्लोजर का फार्मूला बताएंगे, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज इक्वल क्लोजर सर। कोई और स्टूडेंट बताना चाहे क्लोजर का फार्मूला? जी रब नवाज बताएंगे भी हमारे। ए यूनियन, ए डी। अब ये ए डी का भी बता दें, ए डी क्या है? हाँ ये तो खुद आ गया, तो इसके ए के लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे? सो नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट्स। हु विल रिस्पोंड दिस क्वेश्चन? ए के अलावा जो होंगे सर लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं? लिमिट पॉइंट्स कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? लिमिट पॉइंट्स इसी एग्जांपल के लिए ए के लिमिट पॉइंट्स ढूंढने। जी बाय रेजिंग हैंड टोपोलॉजी के ये सारे क्वेश्चंस हैं, बड़े आसान आसान। इस ए के लिमिट पॉइंट्स इफ्तिताह फैज बताएंगे, क्योंकि इन्होंने इसको बनाना है, डेंस बनाना है। डेंस में तो क्लोजर का आंसर पूरा एक्स आना चाहिए इटसेल्फ। जी जी बेटा क्या आ जाएंगे इसके लिमिट पॉइंट? चले लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बता दें। लिमिट पॉइंट की क्योंकि क्लोजर है किसी भी सेट को डेंस चेक करने के लिए उसके लिमिट पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका क्लोजर ढूंढने, क्लोजर ढूंढने के लिए लिमिट पॉइंट्स के सेट की जरूरत पड़ेगी, लिमिट पॉइंट्स के सेट को ढूंढने के लिए सारे लिमिट पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो लिमिट पॉइंट्स की डेफिनेशन बताएंगे ये शोएब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर,
सर अगर हमारे पास x कोई भी मैट्रिक्स स्पेस हो और अगर हम उसका कोई सबसेट ले लें, तो अगर हम x में से कोई भी पॉइंट लें और उसके गिर्द ओपन स्फीयर ड्रा करें, तो अगर वो x का कोई भी पॉइंट कंटेन करे उस x के सिवा, तो फिर हम उसको लिमिट पॉइंट कहेंगे उस सबसेट का। ओके, तो करें फिर इसके लिए कौन करेगा ये सारा काम, इसके लिमिट पॉइंट्स ढूंढने हैं। ये जो इत्तेजा ने एग्जांपल लिखवाई है ना, इसके लिमिट पॉइंट्स ढूंढने के लिए जी कौन बताएगा इस सेट के लिमिट पॉइंट्स? लिमिट पॉइंट्स मिलेंगे तो पता चलेगा ना ये क्लोजर है या क्लोजर इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई और स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेगा इसको फीमेल साइड से? जी जावेद हाशमी आप बताएंगे इसका कि इसके लिमिट पॉइंट्स क्या बनेंगे? सर उसके लिए सबसे पहले तो रेडियस हमें सिलेक्ट करना होगा कि हम कौन सा रेडियस सिलेक्ट करें। रेडियस की सिलेक्शन जरूरी है? जी सर रेडियस की सिलेक्शन तो जरूरी है। देख लें। जी सर चलो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास बताएंगे कल आप ये जो पड़े हैं अगर इनके दरमियान इनके बाहर अगर हम ओपन स्फीयर ड्रा भी करें तो हमें पहले रेडियस तो पता होना चाहिए कौन सा रेडियस लेना है, तो उसके मुताबिक ही फिर होगा ना। अगर हम तीन का रेडियस लेते हैं तो हम वन और चले रेडियस में आपको बता देता हूं रेडियस है 2। रेडियस 2 है आप इसके लिमिट पॉइंट्स बता दें मुझे। सर लिमिट पॉइंट 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस 1 सर 2 भी है। क्या बनेंगे ए के लिमिट पॉइंट्स क्या बनेंगे? सर ए के जो लिमिट पॉइंट बनेंगे वो सर ये अगर 1 और का लिया जाए डिस्टेंस तो सर वो तो लेस देन 2 आएगा लेकिन वो लिमिट पॉइंट नहीं है। 1 का अगर 2 के साथ लिया जाए तो वो 1 आता है सर 2 बन सकता है। जी कोई और स्टूडेंट बताए मुझे कि इसके इस ए सेट के लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे? सर इसके 1 और 4 होंगे सर। 1 और 4 लिमिट पॉइंट्स होंगे? जी सर। चलें आपने इसको रिवाइज करना है कि अभी तो फिर डेंस की डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि डेंस कैसे बना करेगा। कल इन एग्जांपल्स को आपने खुद से देखना है उठा के अपनी बुक्स को कि डेंस कैसे बनता है, क्लोजर कैसे ढूंढते हैं, लिमिट पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, लिमिट पॉइंट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आगे हमारे सारे थ्योरम्स जो है ना इनसे रिलेटेड है, बड़ा डीपली हमें देखना पड़ेगा इन सारों को। एक तो इसमें रेडियस फिक्स नहीं करना होता, लिमिट पॉइंट्स की डेफिनेशन में आप देखेंगे फॉर एवरी रेडियस There exists a neighborhood. एक ऐसा नेबरहुड मौजूद होना चाहिए कि जिसका इंटरसेक्शन लिया जाए ए के साथ और उसमें से माइनस कर दिया जाए वो पॉइंट।
उसको फिर देखना है उसके अलावा कुछ कॉमन में आ रहा है नहीं आ रहा, यही था ना? इसको बेटा खुद से जो है ना पहले सेल्फ स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन पे चलते हैं। तो ये वाला टॉपिक तो हम कर चुके हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स एंड डायरेक्ट सम। ये भी ऑर्थोगोनैलिटी भी कर चुके हैं। ये आर द नॉर्मल सेट, ये थ्योरम है 3.42 एंड आर द नॉर्मल सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी स्मार्ट सा है थ्योरम, इसको देख लेते हैं। एक्स आपके पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, आपके पास एक सेट है जो कि और नॉर्मल सेट है। सेट ऑफ वेक्टर्स या सेट ही कह रहे हैं। तो हमने प्रूव करना है कि ये सेट जो है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके लिए आपको पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए वन ई वन प्लस ए टू ई टू प्लस ए थ्री ई थ्री प्लस तो is equal to 0, then we have to prove linearly independent show करने के लिए क्या करना होगा, सारे scalars को सारे coefficients को a5 ये हमें prove करना है, ठीक है। ये किस तरह से करेंगे चेक करते हैं इसको। ये कार को नॉर्मल ले लिया, इक्वल टू जीरो भी रख लिया, कहते हैं मल्टीप्लाई बाय फिक्स ई जे गिव्स बोथ साइड्स पे इनर प्रोडक्ट ले लिया जाए इसके साथ
इनर प्रोडक्ट इसको उसने कहा समेशन सम की शक्ल में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको समेशन फॉर्म में लिखती हूँ, ये ए के ई के ए वन ई वन ए टू ई टू ए थ्री ई थ्री ए के ई के। ऑब्वियसली ये अगर एक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस के एलिमेंट्स हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी इनर प्रोडक्ट स्पेस का एलिमेंट बनेगा, उसका उसने किसी और एलिमेंट से ले लिया है इनर प्रोडक्ट। तो फिक्स्ड ई जे, फिक्स्ड ई जे रखा हुआ यहां से हम देखते हैं और राइट हैंड साइड पे भी इनर प्रोडक्ट ले लिया इसके साथ, वो क्या बनेगा? वो हमारे पास बन जाएगा जीरो इनर प्रोडक्ट विद ईजे, जीरो इनर प्रोडक्ट विद ईजे बनेगा और वो जीरो हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे आ गया जीरो, लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं क्या बनेगा। तो वो डेफिनेशन लगा दी इनर प्रोडक्ट की, जो स्केलर्स होते हैं वो बाहर आ जाएंगे, फर्स्ट प्लेस से आ सकते हैं ना, और सारे के सारे इनर प्रोडक्ट्स जीरो होंगे क्योंकि आर दो नॉर्मल सेट्स हैं, एक इंडेक्स पे सेम आएगा ई जे और ए जे, एक इंडेक्स पे सेम आएगा, बाकी सारे क्या होंगे जब इस आप सबमिशन को एक्सपेंड करेंगे के फ्रॉम वन टू वन देंगे, टू देंगे, थ्री देंगे, फोर देंगे, फाइव देंगे, जे देंगे, तो जे वाली टर्म बचेगी, बाकी सारे डिफरेंट होने की वजह से क्या हो जाएंगे जीरो। तो ए जे ई जे ई जे इनर प्रोडक्ट बचेगा और ई जे का ई जे के साथ इनर प्रोडक्ट वन हो जाएगा। तो ए जे हुई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड we are left with aj only and right on the right we shall get zero, so aj equal to zero it means j reads from 1 to n, a1 equal to zero, a3 a2 is equal to zero, a3 equal to zero, all a is all and proves for any finite orthonormal. This also implies this theorem was some easy one, this also implies linear independence if the given orthonormal set is in finite by the definition of linear independence 2.1 section. So jaisa ye examples bhi aap dekh sakte hain और थ्री की एग्जांपल्स देंगे। अच्छा ये कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं ये सारे किए हुए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेसेल इनइक्वालिटी। बेसेल इनइक्वालिटी आप खुद करेंगे ये सारी, यू विल प्रूव विद योरसेल्फ। बेसेल इनइक्वालिटी कहती क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है इनर प्रोडक्ट स्पेस में रहते हुए, तो उसका उस पूरी सीक्वेंस का इनर प्रोडक्ट स्पेस के किसी भी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लिया जाए, सारों का स्क्वायर किया जाए, सारों का समेशन लिया जाए, वो सारे लेस रहेंगे, सारे समेशन एक्स के नॉर्म से वट एवर द एक्स इज। तो ये आप प्रूव करेंगे बेसेल इनइक्वालिटी। बेसेल इनइक्वालिटी के बाद है
ये फोरियर सीरीज ये हमारे टॉपिक का नहीं है, इसका इसको हम स्किप करते हैं फोरियर सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम कन्वर्जेंस, लेट पी के बी एन एन ऑफ द नॉर्मल सीक्वेंस इन अ हिल्बर्ट स्पेस एच, देन द सीरीज कन्वर्जेस इन द नॉर्म एच इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस। तो ये कन्वर्जेंस है, ये भी आप खुद कर लेंगे, ये सारा थ्योरम कर लेंगे, ये पार्ट हो उसके बाद ऑर्थोनॉर्मल सेट एंड सीक्वेंसेस। टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट किसे कहते हैं? टोटल ऑर्थोनॉर्मल डेफिनेशन को देखते हैं। चलिए जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लेंगे जो भी प्रेजेंट है ना इस वक्त। इतने में आसान पहले तो हम टोटल सेट की डेफिनेशन करेंगे, इसको फंडामेंटल सेट भी कहा जाता है।
आपके पास कोई एक्स जो है वो नॉट स्पेस एक्स नॉट स्पेस है और ए उसका सबसेट है ए सबसेट ऑफ एक्स वो स्पैन ऑफ ए आप जानते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए इज कॉल्ड स्पैन ऑफ ए ये इसको साथ ही लिखते हैं स्पैन ये भी सबसेट बनेगा किसका बनेगा भला ये कहता है ये जो नया सेट है ये डेंस होना चाहिए यानी कि हमने ये पढ़ा है कि क्लोजर ऑफ स्पैन इज दिस सेट का स्पैन के स्पैन का क्लोजर पूरे स्पेस के इक्वल आ जाए तो वो सेट जो होता है वो टोटल या फंडामेंटल सेट क्या है ठीक है कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर जी